जय जय सियाराम। कल क्षिप्रा के तट पर उज्जैनी में बहुत खराब स्वास्थ्य और बुखार के बावजूद, आज भी ये बुखार है, लेकिन महाकाल बाबा ने कृपा की तो 2 घंटे से अधिक समय मैं राम कथा और उसकी प्रासंगिकता पर बोल सका। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की, जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वहां पर पहुंचें और मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूं। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तदुपरांत आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। और आज प्रार्थना में बैठते समय भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी ये विघ्न संतोष पैदा किया है, ईश्वर उनकी बुद्धि को भी मलिनता से दूर करे, भगवान से जुड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़े। मैं पुनः स्पष्ट करूं, मैं एक कथन मेरे कार्यालय में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में था, एक बालक के बारे में था। और ऐसी बात तो मेरे पिता भी मुझसे कहते हैं, बड़े मूर्ख हो तुम, जो स्वयं आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, मेरे भाई भी, ऐसी बातें तो सभी बोलते हैं। लेकिन मैंने उस लड़के से बोला, जो आयु में बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए बोल दिया और वो आपको अपना मान के मैंने वहां सूचित कर दिया। तो अब आप आइएगा और सुनिएगा आज शंकर के राम पर, इन दो विभूतियों के संयोजन पर कुछ कहने का बड़ा मन है। ऐसा मन दीजिए कि अच्छे से बोल पाऊं, गला भी ठीक हो पाए, बुखार भी उतर पाए। महाकाल बाबा कृपा करें और राघवेंद्र सरकार राम आप सबका कल्याण करें। जय सिया राम। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।